हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे, पोतली बटन बनाना सिखाएंगे, जो कि तीन तरह से बनाएंगे फ्रेंड। एक खक्से वाले से बनाया जाएगा, एक रुए से बनाएंगे और एक कुर्ती के कपड़े को काट कर बनाएंगे। और हम बताएंगे फ्रेंड कि इसमें सबसे बेहतर कौन होता है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने तीन तरह का कपड़ा ले लिया है, जो कि सारे कपड़ा एक समान ही है। हमने कपड़े की जो लंबाई रखी है 2.5 इंच रखी है, और जो चौड़ाई रखी है वो भी 2.5 इंच ही रखा है, एकदम बिल्कुल बराबर है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम खक्से वाले फोम से बनाएंगे, जो कि ये फोम आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो खक्से वाले फोम को बनाने के लिए पोटली बटन को इस तरह से हम कपड़े को लेते हैं और खक्से को इस तरह से हम रखते हैं, और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे अच्छे तरीके से, और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, और इसको पकड़ने के बाद फ्रेंड इसको हम अच्छे तरीके से गोल घुमाएंगे, और इस तरह से इसको घुमाने के बाद फ्रेंड फिर हम एक धागा लेंगे और धागा से इसको हम अच्छे तरीके से लपेट कर बांध देंगे। अच्छे तरह से लपेटने के बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे। गांठ को लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से काट देंगे कैंची से। काटने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हम इस तरह से कट लगा लेंगे। तो हमने एक तरह से बना दिया है पोटली बटन, ये हमारा खक्से वाले से बना है। तो फ्रेंड अब हम सेकंड जो बनाएंगे फ्रेंड वो हम रुआ से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मशीन का घिरनी रखे हैं, डब्बी जिसमें हम धागा भरते हैं। तो इस डब्बी को इस तरह से अच्छे से रख लेंगे, और रखने के बाद एक पेन से हम इसमें निशान लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम निशान लगा लेंगे गोल सा, और निशान को लगाने के बाद फ्रेंड हम फिर क्या करेंगे कि हम सुई और धागा को लेंगे और एक साइड में हम गांठ बांध लेंगे। गांठ बांधने के बाद फ्रेंड हम इसे जो हमने निशान लगाया है इस निशान पे हम इस तरह से सुई घुसाएंगे और इस तरह से खींच लेंगे। इसी तरह से हम निशान पे पूरे में कर देंगे। तो हमने धागा को अच्छे तरीके से सी दिया है निशान पे बिल्कुल। इसके बाद फ्रेंड हम इस तरह से रुए को लेंगे। रुए को लेने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरह से हम घुमा देंगे। घुमाने के बाद बिल्कुल गोल कर लेंगे, और फ्रेंड हमारा ये जो धागा होगा ये हमारा बाहर होगा, इस तरह से रखेंगे ना के अंदर। इसके बाद रुए को इस तरह से एकदम सेंटर में जस्ट रखेंगे फ्रेंड, और फिंगर को इस तरह से रखते हुए धागा को हल्का हल्का आप टानेंगे बिल्कुल। टानने के बाद फ्रेंड इसको आप हल्का हल्का हाथ से भी घुमा लेंगे तो बिल्कुल ये गोल बन जाएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद इस तरह से आप लपेटेंगे। अच्छे तरीके से लपेटने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम गांठ दे देंगे ताकि ये खुल ना सके। और फ्रेंड आप जब गांठ बांधेंगे तो बिल्कुल मैचिंग धागा से बांधेंगे। हम यहाँ पे सिखाने के लिए आपको दूसरे कलर का धागा से बांध रहे हैं। आप अगर मैचिंग धागा से बांधेंगे तो बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा। और गांठ बांधने के बाद फ्रेंड इसको हम फिर काट देंगे इस तरह से कैंची से अच्छे तरीके से। तो हमने दो पोटली बटन बना लिए दो तरह से। अब जो हम बनाएंगे फ्रेंड तीसरा बनाएंगे, ये हम बनाएंगे कुर्ती के कपड़े से ही बनाएंगे। तो हमारा ये कपड़ा है और ये कुर्ती का ही कपड़ा है। तो इसको सबसे पहले हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड इसको इतना भी मुझे लेना है हम ले लेंगे। इसको फिर अच्छे तरीके से इस तरह से गोल करेंगे, ठीक है। गोल करने के बाद फ्रेंड एक जस्ट इस तरह से हम रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से पकड़ेंगे बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से पकड़ने के बाद इसको हम घुमाएंगे अच्छे तरीके से
एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए। अच्छे तरीके से घुमाने के बाद फ्रेंड फिर हम धागा को लेंगे और इसमें मजबूती के साथ लपेट देंगे, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से। लपेटने के बाद फ्रेंड फिर हम इसमें मजबूती से गांठ बांध देंगे ताकि ये खुल ना सके। गांठ बांधने के बाद फ्रेंड फिर हम इसको काट देंगे अच्छे तरीके से। तो हमने तीन तरह से बना लिया फ्रेंड। अब हम बताते हैं किसका क्या खूबी है और किसमें क्या दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले फ्रेंड हमने खक्से वाले से बनाया था, तो खक्से वाले बटन जब हम बनाएंगे पोटली बटन को तो ये काफ़ी आसान से बनते हैं और ये काफ़ी फिनिशिंग भी आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी गोल बना हुआ आता है बाजार से मार्केट से, तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, गोल आती है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब हम इस पर गलती से अगर प्रेस चढ़ जाएगा तो ये सिकुड़ जाती है। तो इसमें यह खूबी और ये मतलब दिक्कत भी आती है, तो इसके अंदर ये दिक्कत है। उसके बाद फ्रेंड जब हम कपड़े वाले बटन बनाते हैं तो इसकी खूबी तो ये है फ्रेंड कि आपको कोई चीज लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम बन जाती है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि जब आप इसको धोल दोगे तो ये बिल्कुल गुल्ठी टाइप की हो जाती है, बिल्कुल कड़ा हो जाती है गुल्ठी टाइप की। तो कभी कभी इसमें दिक्कतें आती है कि इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, तो इसमें यह दिक्कत है। और रुए वाले में खूबी क्या है फ्रेंड कि जब आप रुए से बनाते हो तो इसमें अगर प्रेस भी चढ़ जाए गलती से तो ये पिघलती नहीं है, दबती नहीं है, फिर से ये फूल जाती है, दबने के बाद फिर से फूल जाती है। और धुलने के बाद भी ये जैसा नया में रहता है फ्रेंड वैसे ही रहता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रुए का ही होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि रुए का ही बनाएं। तो हमने बहुत सारे बटन बना लिया है फ्रेंड, ये तीनों चीज़ से मिला हुआ है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।